50 खबरों के बाद बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है और हंगामा भी लगातार जारी है। आज एमसीडी के हड़ताली कर्मचारी पहुंचे खजूरी चौक, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया। एक दिन पहले एमसीडी हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। इस बीच उपराज्यपाल ने भी मेयर्स के साथ बैठक की, मुलाकात की, 300 करोड़ की रकम दिलवाने का इंतजाम भी किया, लेकिन एमसीडी कर्मचारी इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं और जो भी प्रस्ताव उन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल जयलजी की तरफ से पेश किया गया, उस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया। मांग लगातार यही कि कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, क्योंकि जिस रकम की पेशकश की गई, कर्मचारियों का ये कहना है कि उससे तो जनवरी और फरवरी तक के वेतन का भी इंतजाम नहीं हो पाएगा। ऐसे में कोई स्थायी इंतजाम उनके लिए निकाला जाए।